बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को एडमिशन को लेके जो है अभी प्रोसेस जो है शुरू है पहले से ही। कई सारे बच्चों को स्टिल नहीं पता है, तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको अभी नहीं पता है किस तरीके से है। कुछ और बातें भी बच्चों इस वीडियो में करने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई अभी आगे कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, हम किस तरह से आगे अप्लाई करें, हम आगे क्या करें। तो इस वीडियो को बच्चों पूरा ज़रूर लास्ट तक देखना, अगर आपके लिए, अगर आप इस बार एडमिशन लेने वाले हैं या आपके नियर और डियर आपके एडमिशन लेने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर आनंद और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। बच्चों अब क्योंकि हो सकता है कई सारे बच्चों तक ये वीडियो पहली बार भी पहुँचता है कई बार, तो बच्चों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फिज़िक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ, एक कॉलेज में, ठीक है, एक कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में पढ़ाता हूँ। और बच्चों क्या कहते हैं इसमें, मैं हमेशा जो है लास्ट 7-8 सालों से मैं एडमिशन में रहा हूँ और मैंने एडमिशन ड्यूटीज़ करी हैं। इस बार हालांकि जो है आपको तो पता है कि प्रोसेस थोड़ा सा बदल गया है, तो सभी के लिए नया है। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए नया है या आपके लिए नया है, सबके लिए ही नया है, बिल्कुल नई चीज़ है। बट स्टिल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के क्या एनालिसिस रहेंगे। मैंने पिछले काफ़ी सारे जो है एनालिसिस करे हैं और काफ़ी एक्यूरेट रहे थे उस टाइम तक, लेकिन वो एक्सपीरियंस अब पुराना हो गया है और अब नया एक्सपीरियंस जो है बच्चों ये है कि अब CUET जो है एक नया जो है प्लेयर आ गया है, गेम एक आ गया है हमारी नए मार्केट में, और हमें उस तरीके से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले तो आप लोगों को छोटा सा क्लियर क्लैरिफिकेशन दे दूं कि DU के अलावा BHU और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को लेके भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा हूँ। बच्चों ये जो बात है यूनिवर्सल है सभी की, सभी कॉलेजेस अपने अपने तरीके से एडमिशन जो है प्रोसेस करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो लूज़ हो रहे हैं और डेफिनेटली से एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कहते हैं, हालांकि चल तो ये जो है मीडिया में रहा है, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया या बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उन सब ने भी क्लियर करने की कोशिश की है। हालांकि BHU कह रहा है कि भाई हम जो कॉल लेटर देंगे वो तो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे दे देंगे और साथ साथ ये देख लेंगे कि आपके जनरल का स्कोर कितना है और आपके इंग्लिश का स्कोर कितना है। तो क्योंकि वो अपने तरीके से एडमिशन कर रहा है, तो हर यूनिवर्सिटी बच्चों अपने तरीके से एडमिशन कर रही है। आपने सीरीज़ ऑफ एग्जाम्स दिए हुए हैं और उन सारे जो आपने बेसिकली देखे, जब CUET के जब आपने पेपर दिया तो आपने बहुत सारे पेपर्स दिए। अब हर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, अपने अपने तरीके से क्राइटेरिया के तरीके से एडमिशन में आपके मार्क्स को जो है कंसिडरेशन में लेगी। अब इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हम किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रोच कैसे करें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना पोर्टल खोल दिया है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलरली BHU ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला हुआ है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो बच्चों आपको, आपने CUET का एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, आप वेट कर रहे हो अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको आपको सेपरेटली आपने उनमें अप्लाई करना पड़ेगा और उनको सेपरेटली अप्लाई करने के बाद में जो है उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसमें वो डेफिनेटली से कुछ अमाउंट ऑफ फ़ीस भी ले रहे हैं, तो हमें लग रहा था कि शायद फ़ीस जो होगी आगे नहीं होगी, लेकिन नहीं बच्चों, हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग से सेपरेटली फ़ीस ले रही है, आपको अलग से सेपरेटली फिर अप्लाई करना है। तो CUET का जो ओवरऑल पर्पस है वो मुझे भी समझ में बहुत नहीं आया, बिकॉज आइडिया जो था वो ये था कि वन नेशन वन एग्ज़ाम वाला कुछ कॉन्सेप्ट था कि भाई सारी यूनिवर्सिटीज़ को सब अपना अपना एक एक एग्ज़ाम देना होगा, मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम इकट्ठा यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सीट कर देंगे। बट यूनिफिकेशन अभी कुछ दिखा नहीं है, अभी सब कॉलेजेस अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, कुछ जो है वो CUET के अलग तरीके के स्कोर कंसिडर कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत ही क्योस सा मचा हुआ है जो मेरे को नज़र आ रहा है अभी फिलहाल ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जो फर्दर जो बात है बच्चों इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है वो ये कि अब हम हर एक केस उसमें अलग अलग अप्लाई करेंगे और किसी का कोई कॉलेज मिस हो जाता है या किसी का कोई डेट मिस हो जाती है, तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे का पूरा करियर ख़राब हो सकता है। तो मेरे हिसाब से शायद से ये कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली बात है। अब हमें ये समझना होगा कि अब एडमिशन लेने के लिए हमें सब तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप जो है DU के लॉगिन पोर्टल पर जाके वहाँ पर सीट अलॉटमेंट सिस्टम का उन्होंने कुछ सिनेरियो बनाया है, पूरा सिस्टम एक क्रिएट करा है, आप जाके वहाँ पर अपना लॉगिन करिए एंड आपको कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर रेगुलर जाके आपको वहाँ रेगुलर बेसिस पर आपको वहाँ चेक करते रहना पड़ेगा कि वहाँ किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, क्योंकि आपको जो है फिर आपको अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट सब बच्चों का इंस्ट्रक्शन है DU के लिए, ठीक है। जब आप DU के पोर्टल में जब आप लॉगिन करके अप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉलेजेस अप्लाई करेंगे, आप कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। अब DU ने भी ये बोला है कि मैक्सिमम कॉलेज और मैक्सिमम ऑप्शंस जो हैं वो आप चूज़ कर दीजिए। अब एक बच्चा है उसको मान लीजिए बॉटनी ऑनर्स करना है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है नहीं मुझे तो बॉटनी ऑनर्स करना है, बॉटनी ऑनर्स करना है, उसने बॉटनी ऑनर्स पे ही टिक किया और उसने कहा मैं नॉर्थ कैंपस में ही जाऊँगा, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, नॉर्थ कैंपस ने टिक कर दिया। अब जब काउंसलिंग शुरू हुई तो उसका स्कोर मान लीजिए ऐसा था कि वो बॉटनी ऑनर्स उसको नहीं मिल पा रहा है नॉर्थ कैंपस में। अब वो सोच रहा है हाई मेरे को करना तो मुझे बॉटनी ऑनर्स है तो मैं साउथ कैंपस में जाके ले लूँ एडमिशन, लेकिन उसने जब अपना पोर्टल देखता तो देखता है कि उसने बॉटनी ऑनर्स में तो अप्लाई ही नहीं किया साउथ कॉलेजेस साउथ कैंपस में। फिर वो बच्चा मैसेज मुझे भी करता है, मैं कई बार देखता हूँ बच्चे अप्रोच करते हैं कि सर मैंने ना बॉटनी ऑनर्स के लिए ना मैंने साउथ कैंपस भरा नहीं था।
तो अब मैं क्या करूँ? तो बच्चों, मैं आप लोगों को सबके लिए एक सजेशन दे रहा हूँ, इस टाइम पे उस सिचुएशन में कोई कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी, बिकॉज़ आपने खुद ही अप्लाई नहीं करा है, ठीक है? तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है जितने भी कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, सभी कॉलेजेस में अप्लाई करो, सभी कोर्सेज में अप्लाई करो, मैक्सिमम अप्लाई करके देखो, वर्स्ट सिनेरियो को भी कंसिडरेशन में डाल के आप जो है फॉर्म को भरो। आपको लगता है कि यार नहीं भाई, मेरा स्कोर तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो ले ही लूँगा, आप जो है सिचुएशन को समझते हुए मैक्सिमम कॉलेजेस मैक्सिमम कोर्सेज की पॉलिसी को फॉलो करो, और उसी बेसिस पे बच्चों जो है आपको, क्योंकि आप अगर मैक्सिमम, जब आप क्या करते हो, जब आप जगह पे अप्लाई कर देते हो ना, तो उसके बाद में फिर आपको फिर आगे टेंशन नहीं रहेगी, यहाँ हो नहीं हो रहा है तो हम आगे फिर कहीं और ना, कहीं ना कहीं तो ले ही लेंगे, ठीक है? और बच्चों, मैं डेफिनेटली से ये बोलूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत डेस्परेट हैं एडमिशन लेने के लिए, तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप DU में आना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप सोचे कि नहीं, मैं अगले साल फिर ट्राई करूँगा, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ड्रॉप करना बिल्कुल वर्थ नहीं है, ठीक है? आपको अभी ही स्टार्ट करना चाहिए, जो कॉलेज आपको मिल रहा है, जो कोर्स आपको मिल रहा है, कोर्स तो चलो मैं फिर भी बोलूँगा कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बट कॉलेज यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, अगर नहीं मिल रहा है तो कॉलेज यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सभी कॉलेजेस जो हैं वो नियरली नियरली सेम ही आपको जो है अपॉर्चुनिटी आगे देने वाले हैं, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस लाइफ में नहीं आने वाला है। बट हाँ, ये सच है कि कोर्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपका मेन आपका करियर से रिलेटेड होता है। बट फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को लेट्स से BCom ऑनर्स मिल रहा है या BCom पास मिल रहा है, और वो दोनों कोर्सेज जो हैं, बच्चे को अगर दोनों में से BCom ऑनर्स नहीं मिल रहा है, BCom पास मिल रहा है, तो आई विल से कि नहीं, आप BCom के लिए जाइए, ठीक है? क्योंकि उसके लिए आप एक साल ड्रॉप कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि आगे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाती हैं जब आप मास्टर्स में जब आप जाएंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों डिग्री से आप आगे मास्टर सेम मास्टर कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, मेरे चैनल पे पुराने बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने कई सारे सब्जेक्ट वीडियोस भी डाले हुए हैं, वो भी साथ साथ देख सकते हैं, प्लस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आपको अगला वीडियो किस बारे में चाहिए, मैं डेफिनेटली से आपको गाइड करूंगा। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कमेंट्स आप रेगुलरली पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, मैं भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव हूँ अभी साथ साथ, सो मैं कमेंट में कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं सेपरेटली एक वीडियो, एक शॉर्ट्स में किसी भी तरीके से वीडियो आपको डालता रहूंगा, ठीक है? तो अब आपके आई थिंक क्लैरिटी, जो अभी तक मैंने कमेंट्स पढ़े उनमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश की इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करने की। सभी कॉलेज में अप्लाई करना है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पोर्टल में जाके अप्लाई करना है, और नॉर्मलाइजेशन का अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ, ये अभी तक जो सिचुएशन हुई है कि नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे ही सारा कुछ होगा, परसेंटाइल को फिलहाल जो है आप कंसिडर मत करिए कि फाइनल आपका है, लेकिन जिन बच्चों के 95 परसेंटाइल से ऊपर ही हैं, ठीक है, तो मान के चलिए कि वो सारे बच्चों का ऑलमोस्ट हो जाएगा। मैंने पढ़ रहा था BHU जैसी जगह पे एक सीट के लिए 41 जो है एप्लीकेंट्स हैं। देखो बच्चों, ऑल इंडिया बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बॉम्बे में भी अप्लाई करूँगा, मैं केरला में भी अप्लाई करूँगा, मैं सब जगह अप्लाई तो मैं सब जगह कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब एडमिशन की बारी आती है, जब मेरा नंबर DU में ही आ जाएगा, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो सब अप्लाई तो सब जगह करते हैं बच्चों, ये नंबर बहुत बड़े ह्यूज होते हैं, लेकिन जब एडमिशन की बारी आती है, तो मैंने बहुत हमने भी बहुत देखा है, एप्लीकेशन 2000 आती है, लेकिन जब एडमिशन की बात आती है, तो सीधा सिर्फ 22 या 23 बच्चे जो है तक अप्रोच कर पाते हैं। 30 सीट्स भरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत नीचे तक रैंकिंग गिरनी पड़ती है, मतलब स्कोर बोर्ड गिरना पड़ता था जब परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होता था। तो अभी इतना पैनिक होने की जरूरत डेफिनेटली से नहीं है। 90-95 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं, 95 वाले तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं वो DU में उनका एडमिशन होगा ही होगा हर हाल में, ठीक है? और इवन 90 वालों का भी होगा, और उससे नीचे वालों का भी जाने की बहुत उम्मीद है। बाकी धीरे धीरे बच्चों नए स्टैट्स आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, अभी उनके बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बात बनेगी। बट ये बस सच है कि इंग्लिश ऑनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, क्योंकि एक प्रीमियम सब्जेक्ट है, आप सबको पता है कि ये एक प्रो लेवल का सब्जेक्ट है, हर किसी की डिमांड में रहता है, तो डेफिनेटली से वो एक अलग तरीके से शायद से काम करेगा। बट मोर और लेस बाकी सब्जेक्ट्स में जो है, जिन बच्चों को अपने सब्जेक्ट्स चाहिए, मुझे उम्मीद है आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबको मिल ही जाएगा, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद, बाय।